साबिक वजीर आलम लियाकत चौधरी साहब भी मौजूद हैं और वो भी सामान लेकर, और उन्होंने भी कुछ मदद की है, हमें लोकल गाइड भी फराहम किए हैं और कुछ यहाँ पे हमें कश्तियों के अंदर मदद मिल सकती है वो भी उन्होंने दी है। वो राशन तो हम लोग शहर से ले आते हैं लेकिन पहुँचाना कैसे है ये आप लोकल्स के बगैर नहीं कर सकते। और ऐसे लोग जिनको यहाँ के लोगों का थोड़ा दर्द भी हो और वो जानते हो कि कहाँ पे जाके आपने राशन पहुँचाना है तो उतना आसान रहता है। लियाकत चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, हम उनके हल्के में हैं, साबिक वजीर आला सिंध है, मगर अफसोस की बात है कि इस वक्त जो मौजूदा वजीर आला हैं वो भी इसी इलाके से हैं, दादू से हैं। लोगों को लगता था कि शायद साईं कायम अली शाह गए तो साईं मुराद अली शाह आ गए और शायद सिंध में कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे, मगर बहुत अफसोस हुआ सिंध की गवर्नेंस का परनाला वहीं का वहीं है, एक लूटमार की कैफियत है और इस तरह की क्लैमिटी में सिंध हुकूमत डिसअपियर है, वो डूब चुकी है, लोगों से पहले डूब चुकी है, एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये दादू है, वजीर आला का घर है यहाँ पर, पीपल्स पार्टी यहाँ उसकी डोमिनेंस है दिहाइयों से, मगर यहाँ दिहाइयों से महरूमी है, धांधली करके जीते हैं, धांधली करके जीते हैं, मैंडेट नहीं है, यकीन करें इनको मैंडेट नहीं है, धांधली पुलिस उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी, तभी जीते, हमसे कैसे जीत सकते, नहीं जीते हैं, धांधली की पैदावार। और ये हुकूमत जो सिंध में है उसमें एहसास की कैफियत ये है कि ये लोग घरों में अपने मैसूर हो चुके हैं, छतों पर बैठे हैं इस टेम्परेचर में, ऊपर आसमान से चिलचिलाती धूप है और ह्यूमिडिटी लेवल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, पानी में स्मेल है, बच्चे बीमार हो रहे हैं इस पानी में फिरने से, और नाकाबिल बयान किस्म के मंजर हैं जो हम देख रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं।